जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2019 से लेकर 2023 तक कितनी वैकेंसीज थी, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने पड़े, टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस कितने थे और पर सीट कंपटीशन कितनी थी। तो ये वीडियो दोस्तों जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं दोनों के लिए ही खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देख लीजिए 2019, ओके, तो 2019 में दोस्तों जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी 9069, यानी कि 9069 वैकेंसीज थी और टोटल जो दोस्तों फॉर्म्स पड़े थे, अप्लाई किया था लोगों ने, वो थे 30 लाख, ओके। अटेंडेंस तो दोस्तों 30 लाख फॉर्म्स पड़े और अटेंडेंस कितनी रही थी, इसे मतलब कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम जो है वो अटेंड किया था, 19,18,000। तो दोस्तों पर सीट जो कंपटीशन है वो हमारा हमेशा होता है अटेंडिस से, ठीक है। फॉर्म कितने भी पड़े उससे कोई कंपटीशन निकल कर नहीं आता है। लास्ट में दोस्तों जितने भी फॉर्म्स पड़े हैं और जितने भी वैकेंसीज हैं, जो पर सीट कंपटीशन है वो उससे आता है। तो 2019 में जो पर सीट कंपटीशन था वो था दोस्तों 211 वंदे थे एक सीट पे। बात करते हैं दोस्तों 2020 की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 3972, यानी कि 3972। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स पड़े थे दोस्तों 45,35,071 और अटेंडेंस रही थी दोस्तों इसमें 15,72,955 कैंडिडेट्स की, ओके। चलिए पर सीट कंपटीशन दोस्तों इसमें रहा था हमारा 396, यानी कि 396 बंदे एक सीट पाने के लिए यहां पर बैठे थे एग्जाम में। 2021 की दोस्तों बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 7739, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स थे 37,97,357, टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस थी 16,17,036, ओके, और पर सीट कंपटीशन था 209। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में दोस्तों 12,523, यानी कि सबसे ज्यादा लास्ट 5 यानी कि 6 साल में जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी वो थी 2022 में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसीज के लिए फॉर्म भी सबसे ज्यादा ही पड़े थे, यहाँ पर 54 लाख जो है वो फॉर्म पड़े थे, करीब 54,73,969 फॉर्म्स पड़े थे और दोस्तों यहाँ पर अटेंडेंस भी सबसे ज्यादा रही थी 22,77,997, ठीक है। तो ये रही थी दोस्तों यहाँ पर अटेंडेंस। अब बात कर लेते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना था। तो दोस्तों यहाँ पर सीट कंपटीशन काफ़ी कम था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है वो अटेंडेंस थी बहुत कम थी, मतलब 50% से भी कम रही थी और वैकेंसीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो 182 जो पर सीट कंपटीशन है वो है आपका, वो था आपका 182, मतलब 182 लोगों में से एक बंदे के लिए जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन मिला था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट ईयर की। सबसे कम वैकेंसीज 2023 में आई थी 1558। टोटल दोस्तों जो फॉर्म्स पड़े थे वो भी सबसे कम पड़े थे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अगर फॉर्म वैकेंसीज कम होती हैं तो ज़्यादातर लोग फॉर्म डालते नहीं हैं। तो यहाँ पर 26,09,777 जो है दोस्तों फॉर्म पड़े थे और अटेंडेंस रहे थे दोस्तों ओनली 11,74,399 की, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पर सीट कॉम्पिटिशन था, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी तो पर सीट कॉम्पिटिशन आपको बहुत हाई था, तो ये था दोस्तों 753 पर सीट कॉम्पिटिशन, ठीक है, मतलब 753 बंदों में से एक बंदे का जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024 की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में सिविलियन कैंडिडेट्स प्लस एक्स सर्विसमैन दोनों के लिए ही जो है वो सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लास्ट 5 भर्ती से आप देख सकते हैं दोस्तों 8,326 वैकेंसीज निकली थी, जिसमें दोस्तों आपके लिए 1,257 वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो 1,257 यानी कि टोटल जो वैकेंसीज अब हो गई हैं 9,583 हो गई हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के दोनों की मिला के। टोटल नंबर दोस्तों जो फॉर्म्स पड़े हैं वो लगभग पड़े हुए हैं इस बार 35 लाख, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा निकल कर अभी तक नहीं आया है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम 35 लाख या फिर 36 लाख या 34, मतलब 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकते हैं, वरना इतने ही रहने वाले हैं। तो 35 लाख हम इस बार फॉर्म्स मान लेते हैं
और अटेंडेंस दोस्तों जो आप देख रहे हैं ऊपर, इसी हिसाब से हमने 45% लगाई है। तो अगर 45% दोस्तों अटेंडेंस रहती है तो यहाँ पर 15,75,000 लगभग जो है वो अटेंडेंस रहने वाली है इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम इस साल की पर सीट कॉम्पिटिशन निकालें तो आती है दोस्तों ओनली 165 वंदे पर सीट, यानी कि 165 कैंडिडेट्स जो होंगे वो एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं 2019, 20, 21, 22 एंड 23 सबसे ज्यादा जो कंपटीशन था वो 2023 में था, और सबसे कम जो कंपटीशन रहने वाला है वो 2024 में रहने वाला है, यानी कि 165 बंदे पर सीट। ओके, तो यहाँ पर आपका ये तो आपको पता चल चुका है कि इस बार कंपटीशन बहुत कम है, तो इसलिए दोस्तों अच्छे से जो है वो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके लिए दोस्तों इस भर्ती में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों आपको छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं कि एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2024 का जो सिलेक्शन प्रोसेस, सॉरी जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि सिलेबस होगा वो किस प्रकार होगा। तो दोस्तों आपके आपको पता ही होगा, मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर सेक्शन वन और सेक्शन टू में आपका पेपर होगा। सेक्शन वन और सेक्शन टू दोनों ही दोस्तों 45-45 मिनट्स के होंगे। तो सेक्शन वन में दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे आपके रीजनिंग के 60। नेक्स्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स होंगे 60। इस प्रकार दोस्तों 40 क्वेश्चन के आपके आपके लिए 120 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन वन दोस्तों स्टार्ट फिनिश होते ही ऑटोमेटिकली आपका सेक्शन टू स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि दोस्तों 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 75। इंग्लिश लैंग्वेज का दोस्तों आपके पास में 25 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल जो मार्क्स होंगे दोस्तों 75, यानी कि 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही है। अब मैं एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए, खासकर उनके लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 165 बंदे पर सीट कॉम्पिटिशन है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार अगर यहाँ पर इस साल सबसे कम कॉम्पिटिशन सिविल में है, तो जो एक्स सर्विसमैन मेरे भाई है उनका कंपटीशन क्या होने वाला है, बहुत ही कम होने वाला है। अगर आप ओनली पासिंग मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपको मेरिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपनी कॉपी पेन उठाइए, मोबाइल को रखिए साइड में और जल्दी से लग जाइए अपनी तैयारी पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने भाई की इस वीडियो को सभी एक्स सर्विसमैन में जो है वो शेयर कर दीजिए, और आपके जितने ही ग्रुप हैं, जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं जिनको आप जानते हैं जो कि एसएससी एमटीएस के जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन सब के लिए ये वीडियो पहुंचा दीजिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।